हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो आज हम पढ़ेंगे वाल्टर्स लॉ। जनरली ये सेडिमेंटोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है, अब हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेसिन एनालिसिस में हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है। उसका सिग्निफिकेंस पालियो एनवायरमेंटल स्टडी में भी है। ट्रांसग्रेशन एनवायरमेंट, रिग्रेशन एनवायरमेंट में बहुत सारे डाटा हमें वाल्टर्स लॉ से मिल सकते हैं। तो वाल्टर्स लॉ बेसिकली एक सिंप्लीफाइंग प्रोसेस है। तो इसके लिए एक स्टोरी यूज करते हैं। एक रिवर है दोस्तों, एक रिवर बहुत ही इनिशियली जनरेट होता है, जैसे कि आप हिमालयन रिवर देख सकते हैं जिसका नाम है गंगा रिवर। ओके, गंगा रिवर कहाँ से आया है? हिमालय से। और कहाँ पे मिलता है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल पे। ओके, तो इनिशियली हाई स्लोप के कारण, क्योंकि हिमालय बहुत हाई स्लोप है, हाई एनर्जी होगा दोस्तों, इसका एनर्जी बहुत ही हाई रहेगा। और जैसे ही वो बे ऑफ बंगाल पे मिलेगा तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों? एनर्जी विल बी डिक्रीज। सो हाई एनर्जी पे जो ग्रेन साइज होते हैं, ओके, बहुत बड़ा बड़ा ग्रेन साइज मिलेगा आपको, यहाँ पे बोल्डर मिलेगा। ओके, जैसे ही लो ग्रेडियंट हो जाएगा रिवर का, तो उसका ग्रेन साइज क्या मिलेगा? सेल क्ले मिल जाएगा। ओके, मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि ये यहाँ पे क्यों बोल्डर आया और यहाँ पे क्यों की सेल आया, जो लेटरल वेरिएशन है एक ही रिवर प्रोफाइल पे, आप इधर समझ सकते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी के कारण इधर बोल्डर आया और लो एनर्जी के कारण इधर सेल आया। लेकिन मैं एक ऐसा सीक्वेंस बताऊंगा, ये तो केस वन है। केस टू में क्या होगा कि एक इधर बोल्डर मिलेगा और एक उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको दोस्तों? सेल। ये क्या पॉसिबल है क्या दोस्तों? ये सिचुएशन को मतलब समझाने के लिए हमें वाल्टर्स लॉ को समझना पड़ेगा दोस्तों। ओके, एक ही एरिया पे कैसे बोल्डर आ जाएगा और सैंडस्टोन आ रहेगा? लाइक मैं बोलना चाहता हूँ कि बोल्डर सेल नहीं, कोर्सर, कोर्सर मटेरियल और एक फाइनर मटेरियल एक ही एनवायरनमेंट में, मतलब कि एक ही टाइम पे, ये एक टाइम पे ही फॉर्मेशन हुआ है, एक कॉन्फर्मेबल सरफेस पे ही, एक ही जगह पे कोर्स मिलेगा, उसके ऊपर फाइनर मिलेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो आपको समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल ग्रेडिंग हुआ होगा, मतलब बड़ा बड़ा ग्रेन इनिशियल मिलेगा आपको, उसके साथ साथ उस जितना दूर जाएंगे आप छोटा छोटा ग्रेन साइज, ये तो हॉरिजॉन्टली लेटरली डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। लेकिन किसी जगह पे अगर वर्टिकल मिल रहा है, कर्सर के ऊपर फाइनर मिल रहा है और फाइनर के ऊपर आपको कर्सर मिल रहा है, तो ये सिचुएशन को समझने के लिए हमें वाल्टर्स लॉ को दोस्तों समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं वाल्टर्स लॉ क्या है। ओके, तो एक ही हम एनवायरनमेंट ले लेते हैं। एक एनवायरनमेंट क्या है? ये कॉन्टिनेंटल एनवायरनमेंट है दोस्तों। ओके, और एक दोस्तों ये एनवायरनमेंट है ओशन। तो ये ऑफशोर एनवायरनमेंट, बहुत पानी रहता है इधर। दिस कॉन्टिनेंटल एनवायरनमेंट जनरली ड्रिवन बाय एवोलियन। ओके, समझ लेते हैं, एक रिवर ही इधर जा रहा है। ओके, रिवर के वजह से इधर जो स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों? क्रॉस बेडिंग। और इधर क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों? वेवी बेडिंग, क्योंकि सेल कंटेंट आ जाएगा। आप भी जानते हैं रिवर पे ज़्यादातर मतलब कॉन्टिनेंटल क्रॉस्ट पे क्या मिलता है? ग्रानाइट। ग्रानाइट के वेदरिंग रीजन के वजह से क्वार्ट्ज मिलता है, क्वार्ट्ज सैंडस्टोन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा कॉन्टिनेंटल एनवायरनमेंट में। और इधर क्या मिलेगा दोस्तों आपको? फाइनर पार्टिकल, क्योंकि ओशन के अंदर जितना आप दूर जाएंगे तो क्ले कॉन्टेंट आपका बढ़ जाएगा, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, क्ले और सेल कॉन्टेंट बढ़ जाता है। तो बताने का तात्पर्य यही था कि एक हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, जिस क्रॉस सेक्शन में आपको यहाँ पे सैंडस्टोन मतलब कोर्सर पार्टिकल ज़्यादा मिल रहा है और इधर ओशन के साथ आपको फाइनर मटेरियल ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सपोज एक केस वन हम ले लेते हैं। केस वन पे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या होगा कि पोलर ग्लासियर विल बी मेल्ट। जो आइस होता है, जो ग्लासियर रहते हैं किधर? पोलर पे, उसका जो आइस गर्मी के वजह से मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करने के बाद डेफिनेटली वो ओशन के साथ मिलेगा। तो जैसे ही वाटर एड होगा कहाँ पे? ओशन पे। तो सी लेवल विल बी राइज,
सी लेवल विल बी राइज। जैसे ही सी लेवल राइज करेगा तो क्या होगा, एक ट्रांसग्रेशन मूवमेंट होगा। सी लेवल जैसे ही राइज करेगा तो इधर एक ट्रांसग्रेशन मूवमेंट हो जाएगा। तो ट्रांसग्रेशन मूवमेंट का मतलब पानी किस तरह मूवमेंट करेगा, फ्रॉम ओशन टू सी, ओशन विल बी मूव टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स कॉन्टिनेंट। ओके, ओशन मूव करेगा कॉन्टिनेंट के तरफ। तो कॉन्टिनेंट का जो स्ट्रक्चर है, जनरली क्या होता है कॉन्टिनेंटल का स्ट्रक्चर, क्रॉस बेडिंग। ओके, ये कॉन्टिनेंटल का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, क्रॉस बेडिंग। अगर ओशन इधर मूव कर रहा है क्रॉस बेडिंग के ऊपर, क्या मिलेगा आपको, वेवी बेडिंग। ओके, क्रॉस बेडिंग के ऊपर क्या मिलेगा, और कर्सर मटेरियल के ऊपर क्या मिलेगा आपको, फाइनर ग्रेन। ओके, जैसे ही आपका ट्रांसग्रेशन मूवमेंट रहेगा, अगर सपोज केस टू में ग्लोबल कूलिंग हो गया तो दोस्तों इधर क्या होगा, सी लेवल ग्लोबल कूलिंग हो जाएगा तो यहाँ का जो पानी वो कूल हो जाएगा, तो वो क्या क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो आइस फॉर्मेशन हो जाएगा। आइस में तो जो पोलर ग्लासियर कंटेंट विल बी इंक्रीज, तो यहाँ का वाटर रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होने के साथ साथ यहाँ पे एक रिग्रेशन एनवायरनमेंट देखा जाएगा, ग्लोबल कूलिंग, टेम्परेचर विल बी डिक्रीज डाउन, सी लेवल विल बी व्हाट, सी लेवल विल बी डिक्रीज डाउन। सो एक रिग्रेशन फेज चलेगा। तो रिग्रेशन, तो अभी क्या ओशन मूव नहीं करेगा दोस्तों, अभी कॉन्टिनेंट सी लेवल का पानी अगर नीचे चला गया, तो कॉन्टिनेंटल पार्ट विल बी मूव टुवर्ड्स सी, एरिया विल बी मूव टुवर्ड्स सी। तो सी का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, क्योंकि सी इधर है, अगर इसके ऊपर आ जाएगा मतलब कॉन्टिनेंट, तो क्या होगा, फाइनर सेडिमेंट के ऊपर कोर्सर मटेरियल। तो ऐसे में फाइनर मटेरियल नीचे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, कर्सर। तो देखिए, आप पहले क्या होता था कि आपको इसमें एक रिवर पे क्या होता था कि एक कर्सर मटेरियल इधर मिलता था, एक फाइनर मटेरियल इधर मिलता था। अगर कर्सर के ऊपर फाइनर आ गया तो इसको समझने के लिए हमें दिक्कत हो रहा था, तो हमने वॉल्टर्स लॉ को इस्तेमाल किया। वॉल्टर्स लॉ बोलता है कि ओशन पे कभी भी अगर ट्रांसग्रेशन सिचुएशन आ गया और रिग्रेशन कंडीशन आ गया तो लेटरल मूवमेंट होगा, या तो लेटरल मूवमेंट किस तरफ होगा, ओशन वर्ड के तरफ हो सकता है और कॉन्टिनेंटल वर्ड के तरफ हो सकता है। अगर ट्रांसग्रेशन मूवमेंट हुआ तो ओशन विल बी मूव टुवर्ड्स कॉन्टिनेंट। ओके, अगर ऐसा केस में क्या होगा कि कर्सर के ऊपर फाइनर सेडिमेंट, क्रॉस बेडिंग के ऊपर आपका वेवी बेडिंग आ जाएगा। ओके, अगर ग्लोबल कूलिंग हो गया तो सी लेवल विल बी डिक्रीज। सी लेवल जैसे ही डिक्रीज करेगा क्या होगा, कॉन्टिनेंटल पार्ट, तो सी लेवल डिक्रीज करेगा तो रिग्रेशन कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पार्ट विल बी मूव टुवर्ड्स सी। अगर ऐसा हो रहा है, यहाँ पे जो सेडिमेंट्री कंडीशन होता है, फाइनर के ऊपर कर्सर हो जाएगा। तो ये जो हमें समझने के लिए आसान हो गया कि कैसे कर्सर ग्रेन के ऊपर फाइनर पार्टिकल मिलते हैं और फाइनर के ऊपर कैसे कर्सर मिलते हैं, यही था दोस्तों वॉल्टर्स लॉ। तो ये अगर समझ जाएंगे तो हमें बेसिक एनालिसिस और भी आसान हो जाएगा। अगर कहीं पे रिग्रेशन एनवायरनमेंट है तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, और ट्रांसग्रेशन एनवायरनमेंट है तो इजीली हम जान सकते हैं। और यही नहीं, सी लेवल क्यों राइज हो गया, सी लेवल क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसके बारे में बहुत सारे डाटा हमें मिल जाएंगे। और पालियो एनवायरमेंटल स्टडी में तो वॉल्टर्स लॉ का इस्तेमाल बहुत ही होता है दोस्तों। अगर आप सेडिमेंट्री को बहुत ही डीपली रिसर्च करना चाहते हैं तो वॉल्टर्स लॉ के बारे में बहुत सारे आइडिया आपको लेना पड़ेगा। तो ये वर्टिकली एक ही कन्फर्मेबल सरफेस, कन्फर्मेबल मतलब अनकन्फर्मेबल नहीं होना चाहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। एक ही टाइम पे जो सेडिमेंट, एक में कर्सर ग्रेन होगा, एक में फाइनर ग्रेन, ये क्यों होता है, ये वॉल्टर्स लॉ ने ही बताया था। क्यों होता है दोस्तों, आपको बता दिया कि सी लेवल पे एक ओशन कॉन्टिनेंटल ट्रांजिशन एरिया पे अगर सी लेवल राइज करेगा और फॉल करेगा
तभी आपका एक एरिया पे कर्सर सेडिमेंट के साथ फाइनल ग्रेन आ सकता है। यही था दोस्तों वाल्टर्स लॉ। ओके, थैंक यू।